व्हाट्सएप टेलीग्राम ऐप के माध्यम से होटल किला लॉन्च एवं रिव्यू रेटिंग पर कम मेहनत में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह को बिलासपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बताया कि बिलासपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल 27 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज की गई थी। बेसिस में उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, उसमें अपराधियों और अपराध का निकाल किया जा रहा है। लगातार वरिष्ठ स्तर पर, वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर, हमारे पुलिस महानिरीक्षक रेंज स्तर पर, रेंज थाना बना हुआ वहां पर दर्ज प्रकरणों को लिया गया है और सभी CSP की टीम बनाई गई है। उसमें एक ये मामला आया था मेरे पास जो सरकंडा थाना में, इसमें मामला दर्ज हुआ था जिसमें प्रार्थी सियारा शरण तिवारी जिनको की जिनसे की होटल की रिव्यू रेटिंग बढ़ाने को लेकर और आपको रिव्यू रेटिंग बढ़ाना है जैसे बेहतर विकास और एक अच्छे जीवन की कल्पना को लेकर सरकार द्वारा ग्रामों को नगर पंचायत में विकसित किया जाता है, लेकिन कई बार विकास सही तरीके से नहीं होने पर वही सोच ग्रामीणों की गले की फांस बन जाती है। इसी बात को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में गनियारी ग्राम पंचायत से ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कोटा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गनियारी के नगर पंचायत प्रस्ताव के खिलाफ आवाज बुलंद की। ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर ग्रामों को नगर पंचायत में तब्दील करने के बाद विकास की गति रुक जाती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन मांगों को नहीं मानता है तो आने वाले दिनों में भूख हड़ताल की जाएगी। मुक्त मिल रहा है उसमें अपना गुजारा कर रहे हैं और जो रोजगार गारंटी का काम चलता है उसमें महीने 4 महीने काम जो चलता है, जो उनका बरसात भर का आवक का रास्ता निकल जाता है और इसलिए कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई टैक्स का वहां आवक ही नहीं है और किसी काम का। पूरे देश में नए कानून की भाषा बदल गई है। नए कानून को लेकर पूरे जिले में समस्त थाना और चौकियों में भारतीय न्याय संहिता को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस नए कानून के लागू होने से आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव नजर आएंगे। नए कानून के लागू होने से आम लोगों के पास पुलिस की पहुंच आसान की जाएगी। ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून खत्म हो जाएंगे। पुलिस चौकी जेवरा सिरसा में क्षेत्र के लगभग 18 गाँव के लोगों और जनप्रतिनिधियों को इस कानून के बारे में बताया गया। कार्यशाला के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव विशेष रूप से मौजूद रहीं। इसे महिलाओं को, बच्चों को और ग्रामीण जितने भी जो भी केस हैं उसमें हमारे ग्रामीणों को सहायता मिली है। इसमें वो किसी भी केस को ऐसा नहीं होता है कि जैसे पहले कोई केस दर्ज किए और कोई गवाह है वो उससे बातचीत करके समझौता कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय सही न्याय होगा, सही न्याय लागू हुआ है, इसे हम बहुत खुश हैं। दुर्ग में हिंदू युवा मंच व आदिशक्ति की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक ललित चंद्राकर रहे, जबकि भाजपा पार्षद अरुण सिंह सहित अन्य पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। आयोजन शतरूपा शीतला मंदिर प्रांगण सिविल लाइन पद्मनाभपुर में किया गया। हरिया छत्तीसगढ़ अभियान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए आगामी बरसात में 2 लाख पौधों के संरक्षण संवर्धन का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में दृष्टिहीन बच्चों ने सुंदर गीतों से समा बांध दिया तो वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने ड्राइंग पेंटिंग आदि बनाकर पर्यावरण खुशहाली का संदेश दिया। साथ ही मौके पर मंदिर प्रांगण में विभिन्न पौधे रोपित किए गए, अन्य जगहों के लिए भी पौधे वितरित किए गए। छत्तीसगढ़ आप देखेंगे कि हम देखे पहल कर रहे हैं कि क्षेत्र में जिस हिसाब से पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि विकास कार्य होंगे, अगर रोड चौड़े होंगे या कोई उसका किसी भी कॉलोनी का नया बनेगा तो वहाँ पे जो पेड़ है वो जरूर काटे जाएंगे।
पर उसका मतलब ये नहीं कि जो काटे जाएंगे उसको लगाए नहीं जाए। हम चाहते हैं कि नगर निगम हो चाहे सरकार हो, हर घर को एक टारगेट दे। अगर आप घर बना रहे हैं या कॉलोनी बना रहे हैं तो आपको इतना पेड़ लगाना अनिवार्य है। अगर उसको नहीं बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि घर बनाने में भी 6 महीने से 1 साल लगता है, उस पेड़ों को भी अगर देखभाल नहीं कर पाएंगे तो 2 लाख वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है। आज हम शुभ अंक 108 पौधे से शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रकृति के हम कर्जदार हो चुके हैं, प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिला है। आज हमारी बारी है कि हम प्रकृति का कर्ज चुकाए। आज हमारे हिंदुया मंच से जो 2 लाख वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई, हमारे बीच कुछ अतिथि यहाँ मौजूद रहे और कुछ जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण हेतु काम किया है, पर अपने जीवन का कुछ हिस्सा पर्यावरण में दिया है, आज वो भी उपस्थित रहे। हिंदू मंच की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। 2 लाख पौधे लगाने का एक योजना बनाया गया है और इसके तहत हम 2 लाख पेड़ लगाएंगे भी और उसे संरक्षित भी करेंगे। आज जो हम गर्मी के मौसम में देखे हैं कि इतनी गर्मी बढ़ चुकी है, जिसके कारण लोगों को बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा है, इसके लिए हिंदुवा मंच आदि शक्ति मिलकर ये योजना क्रियान्वित कर रहा है कि इसमें हम 2 लाख पौधे लगाएं और गर्मी से हमारे शहर को बचाएं। आप देखेंगे कि हम एक पहल कर रहे हैं कि क्षेत्र में जिस हिसाब से पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने दुर्ग जिले के अहिवारा में 2 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। साथ ही वे कबीर भवन में आयोजित सदगुरु कबीर प्राकट्य उत्सव में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत माता देवभूमि धरा पर बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए, इनमें से एक संत कबीर भी थे। नगरपालिका अहिवारा में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। कबीर पंथ परिवार के द्वारा कबीर प्रगाट उत्सव का भी आज कार्यक्रम हुआ है। जब से हमारी सरकार बनी है, नगरीय निकायों को विकास के लिए लगातार अलग अलग योजनाओं से हमने राशि जारी की है। शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, शहर सुंदर और स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश भर में लागू नए कानूनों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। ये 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी का संकलन है। छत्तीसगढ़ पुलिस की इस विशेष पहल से नवीन कानूनों को समझना आसान हो गया है और समझाना भी। नवीन कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार शुरू से ही प्रयासरत है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज पिंगुआ, डीजीपी अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, बसवा राजू एस और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सारंगढ़ में पटवारी उमेश कुमार के खिलाफ कलेक्टर द्वारा की गई निलंबन कार्रवाई से अब संभाग भर के पटवारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। कलेक्टर द्वारा पटवारियों को पक्ष रखने के लिए मिलने का समय नहीं देने से पटवारी संघ आक्रोशित हो गया है और पटवारी के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर बिलासपुर संभाग के पटवारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जांजगीर के पटवारियों ने अपना काम रोककर कर्मचारी भवन में धरने पर बैठ गए हैं। कारण मानते हुए, आधार मानते हुए निलंबन किया है, वो गलत है। कौन करता है ये सब? जो है लोपन का और संकलन का एजेंट अधिकार है या फिर LIC से, उनके ऊपर जो भी है वो है, उसकी जांच करना चाहिए, उनको ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हमारे पटवारी भी दोषी नहीं है, जिसको दोषी मानते हुए जो कार्रवाई की है वो गलत है। क्या करेंगे आगे? वैसे चर्चा चल रही है, सफल नहीं हुआ तो हम आगे प्रदेश स्तर में इसको हड़ताल को आगे ले जाएंगे। सारंगढ़ जिले में हमारे पहले पटवारी है उमेश पटेल, उनको वहाँ के कलेक्टर सर द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है तकनीकी त्रुटि के कारण, जबकि त्रुटि वर्तमान में है ही नहीं वहाँ। और ये खतरा नंबर जो वर्तमान में पटवारी आईडी में दिख रहा है, उसको कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसको डिलीट कर दिया गया है, इस कारण उनको सस्पेंड किया गया है। जबकि हमारे आईडी में न संशोधन करने का ऑप्शन है, न डिलीट करने का ऑप्शन है, न जोड़ने का ऑप्शन है,
उसके बाद भी वहाँ के कलेक्टर सर पटवारी सस्पेंड किया है।